राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिवा में स्वागत है। तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मतलब जो फर्श पे हम जो कारपेट लगाते हैं, ठीक है, पीवीसी मैट बोलते हैं शायद उसको, तो उसको मतलब कैसे लगाएं, कितना खर्च आता है। क्योंकि पहले जब मैंने लगाया था या फिर मैं दिखाती थी अपने रूम में, तो उस टाइम पे भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं। और अब हम ज्योति के घर पे गए थे तब भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो उस दिन भी कम से कम 10-12 कमेंट वीडियो पे ये थे कि सिवा बताना इसके बारे में डिटेल से भी, कैसे लगाएं, कहाँ से लें, कितने का लें, कितना इसमें टोटल खर्च आ जाता है और कैसे ये चिपकाया जाता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में वो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि देखिए कमेंट में हम कितना रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक जो वीडियो है अलग से वो बना देते हैं, ताकि मतलब आप लोगों को ये जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। और मुझे ये हो रखा था, कई दिनों से टाइम नहीं लग पा रहा था, तो मुझे ये हो रखा था भाई सब सोचेंगे कि रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि जब एक ही बात के लिए कई कमेंट आते हैं तो हमें होता है कि भी उस पर हम खुल करके बताएं। तो आज की जो वीडियो है, आगे आप लोग वीडियो देखोगे उसमें मैंने लगा करके भी दिखाया है, कहाँ से लें, कैसे लें, कैसा लें, वो जो सारी चीज़ें पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन उस वीडियो में मैं एक बात बताना भूल गई थी, क्योंकि ये भी कमेंट आता है कि कहाँ से लिया, कौन से शॉप पे मिलता है। तो जहाँ पे मतलब ये होता है ना, जो बड़ी बड़ी जो दरियाँ होती हैं, गलीचे, कारपेट, वो जो ग्रास मैट, ये जो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उस शॉप पे आप लोगों को ये आसानी से मिल जाएगा। और कई बार कमेंट भी आ जाते हैं कि ये हमें तो नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप आपके शहर में पूछोगे किसी से तो वो भी आप लोगों को आसानी से बता देंगे कि आपको इस शॉप पे ये जो मतलब जो कारपेट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जगह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कारपेट है वो मैं अंदर लेकर के आ गई हूँ। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप मार्केट जाने से पहले अपना जो रूम है उसकी लंबाई और जो चौड़ाई है उसको नाप लें, उनको आपस में गुणा कर लें, ठीक है। जैसे 10 बाई 10 का आपका रूम है तो 100 स्क्वायर जो फिट है वो आपको कारपेट लेकर के आना पड़ेगा। अगर 10 बाई 12 है तो 120 लेके आना पड़ेगा, 10 बाई 15 है तो 150 लेके आना पड़ेगा। वो आप लंबाई चौड़ाई अगर दुकानदार को बता दोगे तो वो आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको ये अलग अलग रेट में मिलेगा, मतलब आपको जो हल्की क्वालिटी है वो भी मिलेगी, बढ़िया भी मिलेगी। तो वो आपकी मर्जी है आप कैसी क्वालिटी लेना चाहते हैं, जैसे पैसे लगाओगे वैसी आपको चीज़ मिल जाएगी। तो हमने ये बढ़िया क्वालिटी में लिया था, ऐसा नहीं है कि भी ऐसा वैसा ही ले लिया था, बढ़िया क्वालिटी में लिया था। कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन मिलते हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने ये सिंपल सा डिजाइन लिया था, कोई ज़्यादा ऐसा वैसा डिजाइन नहीं लिया, और वुडन कलर हमने चूज किया था क्योंकि ये रियल में जो टाइल होती है ना उनका लुक देता, मतलब जो वुडन के कलर की हम जो टाइल बिछवाते हैं ना वैसा लुक आता है बिछाने के बाद, आप लोग देख ही सकते हो, और उनमें वो बात नहीं होती, मतलब दूसरी टाइप का हम लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे अपने रूम के हिसाब से कोई और कलर चूज करना चाहते हैं तो मैंने आपको दिखाए भी हैं, तो आप कोई भी कारपेट ले सकते हैं। यूट्यूब पे हम इस तरह के जब वीडियो देखते हैं ना तो उसमें क्या होता है, वो बहुत सारे जो खर्चे हैं वो बता देते हैं, जैसे कारपेट भी महंगा बताते हैं, लगभग 3,000 के आसपास वो कारपेट बताते हैं, और उसमें फिर लाने का खर्चा भी बताते हैं, 50 रुपये आपको लेकर के आने के लगेंगे, आपका वो तो किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा, और इतने रुपये का आपको SR लगेगा, इतने रुपये आपके लेबर के लगेंगे, लेकिन लेबर के लेकर के आने के और जो SR के पैसे हैं वो आप बचा सकते हैं। जैसे लेबर के वो 500 रुपये बोलते ही बोलते हैं, मतलब भाई 500 रुपये लगेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको 500 रुपये देने की, आप आसानी से लगा सकते हैं, इतना टाइम लगता है, सिर्फ आपको जो कारपेट के पैसे हैं वो देने पड़ेंगे बस। आप बाइक पे अगर 2 जने हैं तो बाइक पे भी आसानी से लेकर के आ सकते हैं, आपको कोई मतलब अलग से किसी ऑटो वाले को किसी को भी अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक रूम का अगर आप लेकर के आ रहे हो तो आप आसानी से बाइक पर भी लेकर के आ सकते हो, क्योंकि हम भी बाइक पर ही लेकर के आए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इसके 2 हिस्से करवा कर लेकर के आए थे वहीं से, क्योंकि रूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो हमें पता थी, तो वहीं से हमने 2 हिस्से करवा लिए थे ताकि घर पर काटने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो करके दे देते हैं। अगर आप घर पे भी काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी घर पर काटने भी, तो बस हमने क्या किया, घर पर आने के बाद पहले रूम को अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि कोई कंकर वगैरह ना आ जाए, क्योंकि कंकर होगी तो फिर वो इसको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। रूम को अच्छी तरह से ज़रूर साफ़ कर लें लगाने से पहले, और आप फर्श पे लगा सकते हैं किसी भी प्रकार का फर्श हो, और अगर कच्चा है मतलब मिट्टी है
फर्श नहीं लगवा रखा है आपने तो भी आप उस पर भी डाल सकते हैं। हाँ, उसको ना पहले अच्छी तरह से समतल कर लें, एक सार कर लें, ये ना हो कि कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, कहीं से खड्डा है, ये है तो उस पर ये काम नहीं करेगा। उसको बिल्कुल समतल कर लें, पानी अच्छे से उस पर वो करके सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद आप बेसक से जो कच्ची जगह होती है वहाँ पर भी इसको डाल सकते हैं। तो इसको चिपकाने के लिए SR के नाम से फेविकोल आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीचे अगर हम फर्श पे बिछा रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर हम दीवार पे लगा रहे हैं, जैसे हम कई बार जो स्लैब होती है जहाँ पे हमारी गैस रखी होती है वहाँ पे छींटे वगैरह लग जाते हैं, गंदी हो जाती है, वहाँ पे लगाते हैं तो उसके लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। कई लोग चिपका देते हैं नीचे ज़मीन पर भी, लेकिन मुझे उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई और ना ही मैंने लगाया था। हाँ, जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया था ना, ये मैंने SR से चिपका दिया था बाद में। या फिर आप ज़्यादा करें तो जो कोने हैं ना वो चिपका दें बस। सारे पे SR लगाने की, इतने पैसे आपको SR पर खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आसानी से बिछ जाता है, कहीं भी नहीं हिलता, कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको SR लगाने की। तो लगाने का जो तरीका वो आप लोग देख ही रहे हो, सीधा हमने बिछाया और यहाँ पे थोड़ा सा ये जैसे गेट था तो थोड़ा सा हमें कट करना पड़ा, तो उसी हिसाब से आप भी नाप करके कट कर दें। ये काम तो देखो हम आसानी से कर ही लेते हैं, कोई इतने मुश्किल काम नहीं होते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और मतलब कितने टाइम तक ये चल जाता है, तो मैंने ये लगभग 2-2.5 साल पहले लगाया था रूम में नीचे, और मैं वहाँ पर रहती थी तब तक वो बिल्कुल सेफ था, कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं से भी फटा हुआ था। हाँ, अब थोड़ा सा ना केयर का फ़र्क हो जाता है, तो अब वो कई जगह से फट चुका है, क्योंकि ना जैसे ये हमारे लोग के जो मांझे हैं उनको ऐसे ही सरका देते हैं, या फिर कोई चीज़ रख के ऐसे ही वो कर दी, तो उसमें वो कई जगह से उसमें मतलब छेद हो गए हैं। बाकी अगर आप ध्यान रखोगे तो ये कहीं नहीं जाने वाला, चाहे मर्जी आप कितने सालों तक यूज करो। देखिए ये मैं आपको SR दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे ये ठीक है। तो बिल्कुल छोटी सी मैं पैकिंग लेकर के आई थी। कुछ लोग बताते हैं वीडियो में, मैंने जैसे पहले भी बताया कि इतना इतना खर्चा SR का बता देते हैं, लेकर आने का खर्चा बता देते हैं, और जो लगाने का खर्चा है मतलब जो हम लगवाते हैं किसी से उनका खर्चा बता देते, तो उसमें बहुत महंगा पड़ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि नहीं रहने देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बस दीवार पे मैंने जो SR है वो लगाया था, इसमें से भी मेरा बच गया था। अब मुझे ये एक रूम में कितने का पड़ा वो भी मैं बता देती हूँ। मुझे ये उस टाइम पे मतलब 1200 रुपये का पड़ा था, उसमें भी मैं एक दो टुकड़ा साथ में और लेकर के आई थी जो मैंने स्लैब पर भी बिछाया था, और 50-60 रुपये की SR की डिब्बी आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 की आ गई होगी, इससे ज़्यादा नहीं था। तो 1300 रुपये में टोटल हमारा जो रूम है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप ये लगा लो भी महंगाई हो गई है तब से, तो 200-300 रुपये आपके ज़्यादा लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रूम है वो तैयार हो चुका है, और जैसे वुडन कलर की जो टाइल हम लगवाते हैं ना वैसा लुक आता है, वैसा ही सेम लुक यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। और झाड़ू पोछा करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताई हैं, अच्छे से समझाया है, और अगर कोई बात रह गई है, छूट गई है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को आपके जो कमेंट का रिप्लाई है वो ज़रूर मिलेगा, ऐसी वीडियो पर हम कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे मैंने जिस रूम में लगाया है आप लोगों ने देखा होगा आगे वीडियो में, उसमें ना जो नूनी बोलते हैं कि हम वाइट वाइट सा हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा था। मतलब झाड़ू लगाते थे ना तो हर रोज़ इतनी बहुत सारी नूनी निकलती थी, और पोछा लगाते थे तो पोछा ही ख़राब हो जाता था, मतलब पोछे की हालत ऐसी हो जाती थी, क्योंकि वो जो फर्श है ना वो खुरदरा सा था, एक फिर उसमें जो नूनी थी उस वजह से कि वो दोबारा से उस पोछे से कहीं पे पोछा लगाने का भी मन नहीं करता था। तो इसका हमें ये हो जाता है कि वही कई बार क्या होता है ना, हम मतलब अपने घर में काम नहीं करवा सकते किसी मजबूरी में, और हमारे रूम का जो फर्श है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, या फिर झाड़ू पोछा करने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि ना कई बार देखिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं भाई, कई रीजन हो जाते हैं उसके कारण हमें घर बनाने में भी टाइम लग जाता है, मरम्मत भी हम इसलिए नहीं करवाना चाहते कि कहीं हमें और कहीं जगह पे बनवाना होता है, फिर नए सिरे से हमें बनवाना होता है। तो आप कुछ टाइम के लिए मतलब टेम्परेरी आपके घर में ये जो कारपेट है वो लगवा सकते हैं, और अगर आप इसको संभाल कर ये रखोगे तो ये आपका कहीं नहीं जाने वाला, चाहे मर्जी आप जितने साल इसको यूज करो। और बस आप ध्यान रखें कि कोई भारी चीज़ जैसे हमारी जो अलमारी होती है बहुत भारी होती है, इसके जो मतलब नीचे से ये नुकीले भी होते हैं, तो वो उसको आप बस ना ऐसे मतलब खींचे मत,
ठीक है ना, उठा करके रखें आराम से। अगर आप उसको खींचेंगे तो वो आपका फट जाएगा। बेड है, कोई भी हैवी चीज है, अगर हल्की चीज है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हैवी जो चीज है ना उसको उठा करके रखें। कई बार होता है ना हम ऐसे धकेल देते हैं तो उसमें ये फट जाएगा। बस इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।